हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएगा जो 16 एम्पीयर का 1 वे स्विच होते हैं उसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा फ्रेंड। तो उसका कनेक्शन करने के लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 16 एम्पीयर का देख सकते हो ए वाला स्विच है और ए वाला सॉकेट है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल है क्योंकि यह स्विच 16 एम्पीयर का पिन है, तो ए भी घुसेगा और जो 16 एम्पीयर का टॉप होता है वो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल मल्टी क्योंकि इसमें 16 और 6 दोनों ही काम होगा। जो ये जो स्विच है ये 16 एम्पीयर का ही है। तो चलिए इसके कनेक्शन किस तरफ होता है पहले देखिए। इधर आ जाइए, आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दोनों 4 mm का रेड वायर लगाया है जो कि सबमर्सिबल चलाने के लिए ये होगा। तो इसके लिए जो लाइफ लाइन होता है जो कि ना फेज किया जाता है उसको मैंने पहले स्विच पे लगा दिया। स्विच पे लगाने के बाद एकदम डायरेक्ट देखिए स्विच से अंदर रहकर चलाया लाइन पर। देखिए जहाँ पर लिखा है L मतलब लाइन, ठीक है, इधर आपको मिलेगा जो कि इसको राइट साइड इस पिन में आएगा, देख सकते हो। और जो न्यूट्रल होता है यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रल लिखा होता है उसी के अंदर ये न्यूट्रल पोर्शन लगा हुआ है। तो आपका कनेक्शन आसानी है क्योंकि इसके अंदर कोई कपड़ा नहीं है, सीधा सा कनेक्शन है। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जिस तरह कनेक्शन है आप उसी तरह कनेक्शन कर लीजिए 16 एम्पीयर का, तो आपको आसानी से मोटर चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़्यादा टाइम वर्क करेगा। तो इसका जो एम्पीयर लेने की क्षमता है ये 16 एम्पीयर, इसलिए वो मेरा जो सबमर्सिबल का मोटर है वो है 10 एम्पीयर ज़्यादा, तो 6 से 10 एम्पीयर के अंदर ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। इसलिए 16 एम्पीयर मैंने आपको लगाने के लिए बोल रहा है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम वर्क करेगा। पहले देखिए कनेक्शन एक बार, पहले जो स्विच में आया यह फेज लाइन, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लाइन निकल चुके हैं। तो आप क्या करेगा जो फेज लाइन है, ठीक है, तो इसको पहले इस तरह एक अंदर ले लेना, ठीक है। लेने के बाद देख लीजिए ये इसमें अंदर एक ब्लैक टिप से कोई कलर दे देगा, मैंने इसको पहचान लिया क्योंकि इसके अंदर जो दिख रहा है ये वाला मैंने फेज रखा है क्योंकि ये इधर एक काला टेप लगा हुआ था तो उसको चीट अभी भी है और ये नहीं है, ठीक है, ये वाला में वो नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो चीट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको सिंबल दे दिया कौन सा फेज है और कौन सा न्यूट्रल है। न्यूट्रल ज़्यादातर टाइम यहाँ पे आएगा डायरेक्ट और फेज वाला स्विच में जाएगा। देखिए ये जो इसमें जो लगा हुआ है ये है लाइन, ये है न्यूट्रल फ्रंट। इसके बारे में और कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, हम आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। प्लीज़ फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, पास में जो बेल का आइकन है वो भी दबा दीजिए फ्रेंड। थैंक यू।